नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब समाजवादी पार्टी ने भी अपने संगठन को मजबूत करने और उसके विस्तार को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके चलते लगातार पार्टी द्वारा विभिन्न जिलों में कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जा रही है। इसी क्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह ने दमोह के योगेंद्र कुशवाहा को समाजवादी युवजन सभा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह ने कहा कि आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस और भाजपा को कड़ी टक्कर देगी, जिसके लिए पार्टी ने जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी 2 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी। पार्टी के इस आंदोलन में प्रदेश के करीब 20 से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी की अनुशासन समिति को भंग कर दिया गया, जल्द ही नई अनुशासन समिति बनाई जाएगी और पार्टी के जो कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर अनुशासनहीनता करते हैं उनको जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं और आगे कोई भी कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर अनुशासनहीनता करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई पार्टी द्वारा की जाएगी। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठे की रिपोर्ट। अभी हमने पार्टी की जो अनुशासन समिति बनाया था उस अनुशासन समिति को कल हमने भंग कर दिया है और नई अनुशासन समिति बनाई जाएगी। साथ ही जो लोग कुछ सोशल मीडिया में अनुशासन भंग करते हैं उनको दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं हमारे प्रदेश प्रवक्ता जी के द्वारा कि आप लोग अनुशासन में रहें और पार्टी हित में काम करें, अन्यथा आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव के लिए तो हमारे बड़े नेता जरूर आएंगे, लेकिन अभी हम पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। अब तैयारियां जब हो जाएं तब हम बड़े नेताओं को बुलाएंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं कहा है मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे और मध्य प्रदेश में आते रहेंगे, आप तैयारी करिए। 14 अप्रैल को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम बन चुका है महू आने का, और मैं लिखित में 11 तारीख को एक और पत्र दिया हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि हम छतरपुर में उनको बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जैसे डेट तय होगी हम आप लोगों को सूचित करेंगे। और एक बात और है, हमारी समाजवादी पार्टी ने निर्णय कर लिया है, कल उसकी घोषणा भी हमारे प्रदेश प्रवक्ता जी के द्वारा हो चुकी है कि 2 मार्च को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। उस घेराव की तैयारियां भी आज से हमने शुरू कर दिया है कि किस ढंग से हमारी तैयारी होगी और कैसे हम अपने घेराव में सफल होंगे। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, क्योंकि इस समय सरकार केवल घोषणा करके, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे मजदूर हों, चाहे किसान हों, चाहे नौजवान हों, सभी बेहाल हैं। किसान तो और ज़्यादा परेशान हैं। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं, जिस संबंध में हमारे प्रदेश प्रवक्ता जी पूरी तैयारी के साथ अपने लग गए हैं और हमारी क्या रूपरेखा होगी और हम जिलों से कितने लोगों को आमंत्रित करेंगे, यहाँ खास तौर से भोपाल संभाग के लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा बुलाएंगे। और काफ़ी हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है इस बात को लेकर के, और सभी लोगों ने हमको बधाइयाँ दिया है। ये बहुत अच्छा है आपने निर्णय लिया कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आप संघर्ष करने जा रहे हैं। एक संगठन में हूँ और हमारा संगठन जो है सम्राट अशोक क्रांति सेना का, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं कांग्रेस में भी रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस में मैंने अभी कुछ समय पहले इस्तीफा दिया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों ने इस देश को लूट रखा है, देश की कमाई है मिल बांट के खाई है, लेकिन आज भी वो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, ना नौकरी मिल रही है लोगों को, सिर्फ राशन पानी से कुछ होता नहीं है। इस देश को बेच रहे हैं, निजीकरण में बदल रहे हैं। मुझे खुशी है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं उसका पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ पार्टी में काम करूंगा और आने वाले समय में पार्टी निश्चित है मध्य प्रदेश में स्थापित हो चुकी है। मध्य प्रदेश की जनता इन दोनों पार्टियों से ऊब चुकी है, अब उसको तीसरे विकल्प की आवश्यकता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश की जो जनता है
वो हमारा परिवार की तरह है। और इस बार जो है कांग्रेस और भाजपा दोनों नहीं आने वाली हैं। जनता ने मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो सभी प्रदेशवासियों के हित में काम करेगी, युवाओं के हित में काम करेगी, विद्यार्थियों के हित में काम करेगी, मजदूर है उनके हित में काम करेगी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी काम कर रही है, सिर्फ कहती है करती कुछ नहीं। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।